खबर इंदौर से है, जहां अधिकारियों के दिशा निर्देश पर एसीपी जयवीर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में गुंडा अभियान चलाया गया, जिसमें थाना मल्हारगंज, सदर बाजार, एरोड्रम और गांधीनगर थाना क्षेत्र की संयुक्त कॉम्बिंग गश्त के दौरान टाटा स्टील चौराहे पर नाकेबंदी कर प्रभावी चेकिंग की गई, जिसमें कई गुंडे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको बताते चलें कि एरोड्रम थाना क्षेत्र के सक्रिय गुंडे बदमाशों की चेकिंग कर 13 बदमाशों को थाना लाकर डोजियर भरे गए, जहां 5 बदमाशों पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई तो 3 बदमाशों पर धारा 107-16 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान एक बदमाश पर धारा 110 सीआरपीसी की भी कार्रवाई की गई है। विगत तो एक सप्ताह से पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देश पर और हमारे जो डीसीपी महोदय श्री अमित तोलानी साहब और एडिशनल डीसीपी श्री जवीद भदौरिया साहब और एसीपी श्री राजीव सिंह भदौरिया साहब द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जो क्षेत्र के गुंडे बदमाशों, चाकूबाजों, नकबजनों, लूट करने वालों, चैन स्नैचिंग करने वाले ऐसे बदमाशों को थाने पर लाकर उनके विरुद्ध में उनके डोजियर भरवाने की कार्रवाई, साथ ही जो बदमाश सक्रिय हैं उनके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इस संबंध में परसों दिनांक 29 मार्च को थाना क्षेत्र के 14 गुंडों को बदमाशों को थाने पर लाया गया था। थाने पर उनके डोजियर भरवाए गए, जो सक्रिय बदमाश थे उनके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके बाद रात में एक कॉम्बिंग गश्त वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरे क्षेत्र में मल्हारगंज, सदर बाजार, एरोड्रम, गांधीनगर क्षेत्र में किया गया और लंबे समय से फरार थाना एरोड्रम क्षेत्र के 8 स्थायी वारंटी और 5 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही महत्वपूर्ण चौराहा जो टाटा स्टील है वहां पर एडिशनल डीसीपी और एसीपी साहब के नेतृत्व में वहां पर देर रात अनावश्यक घूमने वालों के विरुद्ध में चेकिंग कार्रवाई की गई थी और लगभग 15 गाड़ियों को रोककर चिन्हित कर उनके विरुद्ध में चालानी कार्रवाई भी की गई थी। साथ ही उनको रात में देर रात नहीं घूमने के संबंध में हिदायत भी दी गई थी। ये कार्रवाई लगातार जारी है ताकि जो आम जनता किसी कारण से रात में बाहर आना जाना उनका होता है तो उनको किसी प्रकार की कोई परेशानियां ना आए, इसलिए सब मुहिम चलाई जा रही है। कितने गुंडे बदमाशों का हो चुकी है थाना एरोड्रम क्षेत्र में? अभी तक 65 जो पुराने अपराध धारी जो लोग हैं उनके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तथा विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है और उनको बाउंड ओवर कराया गया है। आपका नाम? मेरा नाम संजय शुक्ला, थाना प्रभारी एरोड्रम।